मामला श्योपुर की ग्राम पंचायत चकब मुलिया का है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के पश्चात हुई मतगणना को लेकर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। जहां पर चकब मुलिया पंचायत से सरपंच प्रत्याशी काशीराम बैरवा लगभग एक सैकड़ा समर्थकों के साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बृजराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे, जहां मामले की शिकायत भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष से कर न्याय दिलाए जाने के साथ रीटोटलिंग किए जाने की अपील की गई। मामले को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष चौहान ने डीएम से फोन पर चर्चा कर मामले की जानकारी डीएम को दी, जहां पर मामले को संज्ञान में लेकर डीएम ने मामले की जांच के उपरांत उचित निर्णय लिए जाने की बात कही। यहां सरपंच प्रत्याशी केशरी लाल बैरवा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 25 जून 2022 को सरपंच के चुनाव को लेकर किए गए मतदान के उपरांत की गई मतगणना में कमोदी लाल और मुझे खुद को 170-170 मत मिले, जहां पटवारी के द्वारा रिजेक्ट मत पत्रों में हेराफेरी करते हुए एक मत पत्र कमोदी लाल को प्रदान कर 171 मत पत्रों की घोषणा करते हुए कमोदी लाल को विजयी घोषित किया गया, जो कि निर्वाचन नियमावली के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, मतगणना के पश्चात मत पत्रों की गिनती के उपरांत लिखित में कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि मतपत्रों की रीटोटलिंग कराई जाए, जिससे कि हमें न्याय मिल सके। आपके यहाँ मतदान हुआ, आपका आरोप है कि 170-170 वोट निकले और एक वोटों की पटवारी ने, जो पीटा सिंह अधिकारी, उन्होंने मिलकर के उसको गलत कर दिया और दूसरे प्रत्याशी की जिता दिया, ये कहना है आपका, क्या है पूरा मामला बताएं। अब 170-170 वोट आए हमारे, हाँ, उसके बाद में उन्होंने एक वोट इधर उधर करके, मतलब 171 उनके कर दिए और 70 हमारे रख दिए। रिजेक्ट वोट में से पटवारी गया, पटवारी जाते ही यही कहा कि यार बरोबर लेवल आ रही है, उसके बाद उठा गया यार एक वोट ये इसका ज़्यादा निकल रहा, मतलब हाँ, यानी कि ये फाइनसा मानो, ये कहा पटवारी ने। मतलब आपका कहना ये है कि जो मतगणना हुई थी उस मतगणना में बराबरी की टक्कर होने के बाद एक वोट आपके सामने जो चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी, उसके प्रत्याशी के को एक वोट जो है रिजेक्ट वोट से डाल दिया गया, यही कारण रहे कि उसको जीत हासिल हुई। तो क्या आप लोगों को वहां से रिटर्निंग जो ऑफिसर था उसने लिखित में आपको कोई मतगणना का प्रमाण पत्र दिया है? यानी गणना को लेकर के उसने आपको कोई कागजात नहीं दिए या कोई दस्तावेज आपको नहीं दिए गए? अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दोबारा से जनगणना हो। तो आपने किस किस को अवगत कर कलेक्टर महोदय निर्वाचन अधिकारी को? हमने साहब तहसीलदार साहब को दिया, कलेक्टर साहब से मिला, एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने एसडीएम साहब ने बोला कि आप जाइए ये एप्लीकेशन लिख के आइए तहसीलदार साहब को, तो और 14 को या कितने तारीख को बोला, 14 को काउंटिंग हो जाएगी आपको, आपको विश्वास दिला रहे हैं, ये कहा था साहब। ग्रामीण आए हैं, किस तरह का इनका मामला है, किस प्रकार का ये मामला है इस पर आपका? देखिए, ग्राम पंचायत चुनाव में जो चक बमूलिया पंचायत की दो पोलिंग है, चक बमूलिया और एक टेला जमुई, और दो प्रत्याशियों के बराबर वोट आए थे 170-170। उसके बाद पटवारी के द्वारा रिजेक्ट वोटों में से दो वोट उठाकर दो प्रत्याशियों के उसमें उनको जोड़वा दिया, और उसके बाद उनका एक को जो है एक वोट से जो है एक वोट ज़्यादा आया तो उसको जीता हुआ मान के उन्होंने पेटियों को सील कर दिया। ना तो जो एजेंट जो था, पोलिंग एजेंट जो बैठे थे, उनको किसी को रिसीव थी, उन्होंने काउंटिंग की टोटल जो नियम है कि किन किन के कितने कितने वोट आए उनकी एक टोटल रसीद बना के वो एजेंट को दस्तखत करके सील लगा के, और वहाँ जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर रहता वो लिख कर देता है, लेकिन सब किसी भी प्रत्याशी के एजेंट को कोई रसीद नहीं दी उन्होंने बनाकर, और नियम विरुद्ध उनके द्वारा किया गया। इस संबंध में कलेक्टर तहसीलदार को जो है प्रत्याशियों के द्वारा आवेदन दोबारा से गिनती का आवेदन दिया है, कलेक्टर से चर्चा हुई है, कलेक्टर ने कहा कि मैं इस पूरे मामले को दिखवाता हूँ इसमें क्या क्या गड़बड़ हुई है, और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे, ये आश्वासन दिया है कलेक्टर ने। और 14 तारीख को जब रिजल्ट सीट बनेगी, सारे चुनावों के परिणाम आने के बाद, उसके बाद रिजल्ट सीट जब बनेगी तो उसके नियम के अनुसार उनको दोबारा काउंटिंग के लिए आवेदन दिया, उस पर रिटर्निंग ऑफिसर निर्णय लेगा कि दोबारा काउंटिंग की जाएगी या रिटोटलिंग की जाएगी या आवेदन को निरस्त करेगा। लेकिन उनको अधिकारियों से हमने आग्रह किया है कि वो
नियम से जो है दोबारा से काउंटिंग करी जाए, ये हमने मांग करी।